Yeah. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। यहाँ आज है फ्राइडे 21 मई 2021। स्पेशल आप लोग के लिए पता नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मेरी फैमिली आने के बाद अब हमें एक परमानेंट प्लेस मिलने वाला है कुछ टाइम के लिए। तो अभी हम लोग कुछ दिनों के लिए एक दो हफ्ते के लिए ऐसे ही टेम्प्रेरी जगह पे रह रहे थे, बट अब हमें जाके फॉर्मली एक प्लेस मिल रहा है। सो हमने सोचा क्यों नहीं आपको भी उसका एक टूर कराते हैं। ये प्लेस जहाँ पे हम रहते थे उसके पास में ही है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं होम टूर ऑफ माई न्यू अपार्टमेंट। आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। आज सुबह का टेम्परेचर 8 डिग्री था और कल रात से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो वो अच्छा है। इट्स बेटर टू बी एट 12 डिग्री देन 42 डिग्री। आई होप आप लोग अपना अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। सो टेक केयर एंड या दिखाते हैं आपको और क्या चल रहा है। करीब 8 से 10 मिनट का वॉक है जहाँ हम अभी रह रहे हैं, बट उसकी लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट है, तो देखते हैं। समय बज रहे हैं इस समय शाम के करीब 7:15 और आज तो मौसम ठंडा है इसलिए आपको वैसे ही लग रहा होगा, अदरवाइज आजकल तो 9:30 बजे तक तो प्रॉपर उजाला रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी बिल्डिंग, इस पे लिखा हुआ है द मॉल्स, ये यहाँ का फेमस शॉपिंग मॉल और आई वुड रादर से रेसिंग स्ट्रोक का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, फेस्टिवल प्लेस, और इसके अंदर बहुत बहुत सारे आउटलेट हैं और हमारा घर उसके एकदम बगल में। रेड सिग्नल हो गया है, जैसा आपको आवाज आ रही है ये है पेडेस्ट्रियन के क्रॉस करने का सिग्नल, आप एज ए पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सकते हैं, तो हमने क्रॉस किया। मैं अभी गिम्बल यूज करता हूँ। गिम्बल यूज करने का एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप जो भी समझिए कि आप जिधर भी लेके जाते हैं लोग एक बार तो आपको जरूर देखते हैं कि इसने हाथ में लिया क्या है। खैर, अब हम पहुंच रहे हैं द मॉल्स के गेट के पास और जैसा कि आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे ये है बेसिंगस्टोक रेलवे स्टेशन। तो बेसिंगस्टोक स्टेशन के एकदम सामने है मॉल और उसके एकदम बगल में मिला है हमें घर। बिल्डिंग आपको दिख रही है उसी बिल्डिंग में हमारा घर है और आपको दिखाते हैं और पास से भी। ग्राउंड फ्लोर से ये है उसका आउटर व्यू। So this is the entrance. You can see some items. The
लेट्स गो टू द फर्स्ट रूम. ओके, सो दिस इज द मेन बेडरूम इफ आई मे से. वेरी नाइस, वाओ, आई लव द सीनरी एंड देयर इज लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस. दिस इज द ड्रेसिंग टेबल एंड लॉट ऑफ स्टोरेज एंड वाओ, सो दैट्स अ फुल मिरर एंड देन यू हैव अगेन सम स्टोरेज स्पेस. ओके वाओ, ऑटोमेटिक लाइट. ओके, देयर इज नथिंग स्टोरेज. ओके, लेट्स क्लोज दिस. लेट्स लुक एट द अटैच वॉशरूम. ओके, वेरी नाइस. ओके, दैट्स टॉयलेट एंड सम मोर स्टफ एंड दिस इज आवर शावर. ओके, लेट्स क्लोज दिस. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई रियली लुक फॉरवर्ड इज हाउ इज द बालकनी एंड व्यू आउटसाइड. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस रूम्स व्यू. ओके, वी हैव गॉट अ डिसेंट विंडो हियर. जस्ट पॉइंट इट इन द राइट डायरेक्शन हियर. वी गॉट अ So nice, decent room. It's very clean now. Now let's go to the next room, which is this one. And okay, yep. Again, some good storage over here, as you can see. Nice place to live and yep, good bed, and you have pillows as well. And then you have another window. This one is more open because you can see this is the railway station and there are cars and bus stand also here. So pretty good, very very decent, and I like that window, which is very good. Overall, वेरी गुड, आई लाइक दैट. दिस वन इज मच बेटर. ओके, सो हमने देख लिया हमारा मेन मास्टर बेडरूम और एक और रूम, बट अब बारी है मेन मेन रूम की, यानी कि हमारे हॉल की या लिविंग रूम की. और साथ के साथ हमारी जो भी लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है किचन. तो अब हम देखते हैं कि कैसा है यहाँ का हॉल, लिविंग मेन लिविंग रूम और यहाँ का किचन. अब हम जा रहे हैं यहाँ के मेन हॉल में, और लेट मी स्विच ऑन सम ऑफ द लाइट्स व्हिच आई स्टिल नीड टू फिगर आउट. ओके, सो ये है यहाँ का मेन हॉल रूम. आई मस्ट से कि दिस इज वेरी वेरी स्पेशियस, अनलाइक अदर लॉट ऑफ प्लेसेस दैट वी सॉ. सो ये है हमारा छोटा सा, नॉट छोटा सा बट डिसेंट डाइनिंग टेबल. और उसके बाद थोड़ा सा सामान रखने के लिए अगेन कुछ कंपार्टमेंट्स बने हैं. एंड ये है किचन जो हम लोग अभी कुछ सेकंड्स में देखेंगे. और उसके बाद ये है हमारा एक और कुछ रखने का सामान. और उसके बाद ये है हमारा मेन बड़ा वाला सोफा. इस पे आप बैठ सकते हैं, इस पे आप लेट और सो भी सकते हैं. और इसके साथ हमारी ये है काफी बड़ी, आप जैसे देख सकते हैं कि काफी बड़ी खिड़की है ये. जी हाँ, ये खिड़की है, और ये खिड़की से हमें सीधे दिखता है बेसिंग स्टोक रेलवे स्टेशन. जी हाँ, अपने घर से देख सकते हैं कि बेसिंग स्टोक रेलवे स्टेशन, और बेसिंग स्टोक प्लेटफॉर्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, रेलवे स्टेशन देख सकते हैं. और सामने ही है बस स्टैंड, तो बहुत ही अच्छा है. अब दिखाते हैं आपको बालकनी. तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे
काफ़ी मेंटेन बालकनी मिली है, एंड आई होप कि हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा कि हम इस बालकनी को इसी तरह मेंटेन रखें। लेट्स सी, ओके काफ़ी हवा है बाहर, जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी मेंटेन है बालकनी, और हम आ रहे हैं बाहर। और अभी हम हैं यहाँ की बालकनी में, काफ़ी ओपन है बट इन्होंने जाली लगा रखा है ताकि कबूतर या ऐसा कुछ आपको परेशान ना करें। और इसके नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक ग्रोसरी स्टोर और एक पिज़्ज़ा स्टोर है, तो आई थिंक ये काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। तो बाकी तो हम आपको हमारे फ्यूचर पोस्ट से तो पता चलेगा ही, बट काफ़ी अच्छी बालकनी है। और अंदर आते हैं और अब चलते हैं लेडीज स्पेशल। जी हाँ, लेडीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा जानना होता है वहाँ की किचन कैसे होते हैं और क्या क्या मिलता है और कैसे करना होता है। तो अब हम जा रहे हैं किचन में। लेट्स सी, ये है हमारा किचन। वाह, पहले तो आपको ये देखना चाहिए, इतने सारे बटन बने हैं फ्रीज के लिए। और हमें वाह, इट इज़ लाइक कि फुल फ्लेज बढ़िया वाला फ्रिज मिला है हमें, काफ़ी सही है। आई थिंक मज़ा आएगा यहाँ पे। और आते हैं, ये है हमारा गैस इंडक्शन वाला, जिसको आप इंडक्शन पे करते हैं मोस्टली, तो बाहर आपको ऐसे मिलता है। यहाँ पे है आपका ओवन, माइक्रोवेव, ये है आपका बेसिन, देन डिश वॉशर, एंड यहीं पे इन्होंने दे रखा है वॉशिंग मशीन, गार्बेज बिन, कुछ कुछ और स्टोरेज, और ये है टोस्टर। देखते हैं कुछ इन्होंने और भी कुछ रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ क्रॉकरीज भी दे रखी हैं, वेरी नाइस। यूके की एक ये चीज़ बहुत सही लगती है मुझे कि आपको बहुत ज़्यादा सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की वजह से आपको वैसे ही मिल जाता है, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। किचन में भी इन्होंने एक दे रखा है विंडो, विच इज़ गुड, एंड कुछ कुछ और स्टोरेज है। तो ये था हमारे नए घर का पहला होम टूर। अभी तो मेरी वाइफ और डॉटर ने भी नहीं देखा है, बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। अभी मैंने दो बार से हिंदी में करना शुरू हुआ है, तो आपको हिंदी ज़्यादा अच्छा लगता है कि इंग्लिश में? एंड या इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू इन इंग्लिश, आई एम फाइन विद दैट। अदरवाइज आपको हिंदी अच्छी लगती है तो मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो डाइनिंग टेबल है उसको अपना वर्किंग स्टेशन बना लूं। क्या ये आइडिया सही है या बिल्कुल गलत, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड विल बी आउट ऑफ दिस प्रिटी सून।